हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ हुए गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गाजियाबाद में भी धर्मगुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने गाजियाबाद के घंटाघर चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति के नीचे खड़े होकर विरोध जाहिर किया और हाथ में एक स्लोगन लिखा हुआ पर्चा लिया, जिसमें लिखा था, मेरे देश में हमारी बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है, मैं शर्मसार हूं। इसके साथ ही दीपांकर महाराज ने कहा कि सत्ता चलाने वाले लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। गृह मंत्री वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। मेरा नाम स्वामी दीपांकर है और मैं आज शहीद चौक पर खड़ा इसलिए हूं कि कल जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है, मैं उससे बहुत आहत हूं, शर्मिंदा हूं। हालांकि जब देश में निर्भया हुआ था तो भी देश बहुत उद्वेलित था, दुखी था, रो रहा था। उसके 10 दिन बाद फिर सब वैसा ही, उल्टा उसके बाद से और ज्यादा हो गया। एक लड़की अनु दुबे संसद के सामने खड़ी होती है तो दिल्ली पुलिस उसके साथ जो बर्बरता करती है वो दुखद है। संबल में 9 दिनों से बलात्कार पीड़ित लड़ रही थी जिंदगी मौत से, आज वो मर गई, कल प्रियंका रेड्डी मर गई। मेरा देश के हुकुमरानों से, सियासत के तख्त पर बैठे लोगों से सवाल है कि आखिर कब तक ये इस देश में चलता रहेगा, देश की बेटियां मरती रहेंगी और देश यूं ही मौन रहेगा। मेरा देश के सियासतदानों से सवाल है, आखिर कब तक? क्या इस देश में बेटी होना गुनाह है? आज हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी है, क्या कल हमारे घर में यह सब नहीं होगा? इस सोच को, इस मानसिकता को आखिर कब बदलेगा देश, कब बदलेगा देश? और आज अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा, मैं सैकड़ों वाहन गुजरते देख चुका हूं। मुझे दुख है इस बात का कि वेदनाएं मर चुकी हैं, संवेदनाएं पांव के पहियों के लिए कुचल चुकी हैं। अब किसी को होश नहीं है कि जिसका गुजर रहा है उसका गुजर